और हम आपको बताएंगे 2017 8 अक्टूबर को करवा चौथ है, तो उस दिन जो पूजा का जो मुहूर्त है और चंद्र उदय का तो जो समय है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए करवा चौथ मुहूर्त वो स्टिक समय होता है जिसके भीतर ही पूजा करनी होती है। 8 अक्टूबर को करवा चौथ की पूजा के लिए पूरी अवधि 1 घंटे 14 मिनट की है। करवा चौथ पूजा का समय शाम को 5:54 मतलब 5:54 PM उस वक्त ही शुरू होगा और शाम को 7:09 9:07 पर करवा चौथ पूजा करने का समय खत्म होगा। अब हम आपको करवा चौथ का जो चंद्रोदय का जो समय है वो हम आपको बता दे रहे हैं। 8 अक्टूबर करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम 8:11 PM होगा, मतलब 8:11 PM मतलब 11:08 PM। करवा चौथ के दिन चंद्रमा उदय होने के समय सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्व का है क्योंकि वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती है। वे केवल उगते हुए पूरे चांद को देखने के बाद ही पानी पी सकती है। ये माना जाता है कि चांद देखे बिना व्रत अधूरा है और कोई महिला न कुछ खा सकती है और न पानी पी सकती। करवा व्रत चौथ तभी पूरा माना जाता है जब महिलाएं उगते हुए चांद को छलनी में घी का दिया रखकर देखती है और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ जो 8 अक्टूबर 2017 है उस दिन करवा चौथ के जो व्रत कर रहे हैं उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि करवा चौथ का पूर्ण फल प्राप्त हो। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला उपवास होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस बार यह व्रत 8 अक्टूबर को पड़ रहा है। करवा चौथ के समय महिलाएं व्रत का पालन तो बड़े ही अच्छे तरीके से करती हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देती हैं जिसके कारण उन्हें व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो चलिए हम आपको 5 गलतियां बताने जा रहे हैं जो अक्सर व्रती से हो जाता है। करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को विशेष तौर पर लाल कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि लाल रंग हिंदू धर्म में शुभ रंग का प्रतीक माना जाता है। दूसरा कोई कलर नहीं पहनेंगे तो अच्छा है और उसमें जो बिल्कुल नहीं पहने चाहिए वो भी कलर मैं आपको बताऊंगा। गलती से भी करवा चौथ के दिन नीले भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा कपड़ा पहनने से इस दिन पूजा का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता है। उपवास वाले दिन महिलाओं को किसी अन्य व्यक्ति दूध दही चावल और सफेद रंग का कपड़ा नहीं देना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को अपने से बड़ी उम्र के किसी भी बुजुर्ग महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है, अशुभ मानते हैं इसको, बहुत अशुभ होता है ये। ऐसे भी कभी भी आप किसी का अपमान मत कीजिए पर इस दिन खास करके बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल हर्ट मत कीजिए, ये अशुभ होता है, बहुत अशुभ होता है। तो ये मैंने आपको बताया वो काम वो चीजें जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको 5 चीजें बता दी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हम आपको बताएंगे करवा चौथ का महत्व और कुछ जो किंवदंतियां हैं, कुछ जो कथाएं प्रचलित हैं। देखिए महिलाओं द्वारा हर साल करवा चौथ का जश्न मनाने के पीछे कई किंवदंतियां हैं, पारंपरिक कथाएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। उसी में से हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार वीरवती नामक एक सुंदर राजकुमारी थी।
वो अपने सात भाइयों की इकलौती प्यारी बहन थी। उसकी शादी हो गई और अपने पहले करवा चौथ व्रत के दौरान अपने माता पिता के घर पर ही थी। उसने सुबह सूर्योदय से ही उपवास करना शुरू कर दिया था, तो उसने बहुत सफलतापूर्वक उसका पूरा दिन बिताया। हालांकि शाम को उसने बेसब्री से चंद्रोदय के लिए इंतजार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो गंभीर रूप से भूख और प्यास से पीड़ित थी, क्योंकि यह उसका पहला करवा चौथ व्रत था। उसकी यह दयनीय दशा उसके भाइयों के लिए असहनीय थी, क्योंकि सब उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें समझाने का बहुत कोशिश की कि वो बिना चांद देखे खाना खा ले, हालांकि उसने मना कर दिया। तब उन्होंने पीपल के पेड़ के शीर्ष पर एक दर्पण से चांद की झूठी समानता बनाई और अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। वो बहुत मासूम थी बेचारी, और उसने अपने भाइयों का अनुकरण किया। गलती से उसने झूठे चांद को देखा, अर्थ देखकर उसने अपना व्रत तोड़ दिया। उसे अपने पति की मौत का संदेश मिला। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसने झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ दिया जो उसके भाइयों ने उसे दिखाया था, तो उसके भाई उसे भूख और प्यास की हालत को देखकर बहुत संकट में थे। उसका दिल टूट गया और वो बहुत ज्यादा रोई। जल्द ही देवी शक्ति उसके सामने प्रकट हुई और उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उसने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया और फिर देवी द्वारा निर्देश दिया गया कि उसे पूरी भक्ति से उसकी करवा चौथ का व्रत दोहराया जाना चाहिए। तो जल्दी व्रत पूरा होने के बाद यमराज को उसके पति के जीवन वापस करने के लिए मजबूर किया गया। कहीं कहीं ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ के शीर्ष पर एक दर्पण रखकर एक झूठे चांद बनाने के बजाय रानी वीरवती के भाइयों ने पर्वत के पीछे बहुत बड़ी आग लगाई। उस झूठी चांद चमक के बारे में उन्हें अपनी बहन को राजी कर लिया। उसके बाद उसने बड़ी आग के झूठे चंद्रमा को देखकर अपना उपवास तोड़ दिया और उसे संदेश मिला कि उसने अपना पति को खो दिया है। तो वो अपने पति के घर की ओर भागी। हालांकि मध्य रास्ते में शिव और पार्वती उसे दिखाई दी और उसे उसके भाइयों के सभी प्रवंचाकार के बारे में बताया। उसे तब देवी द्वारा बहुत ही ध्यान से फिर से उपवास पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। उसने वैसा ही किया और उसे उसका पति वापस मिल गया। और दूसरा जो एक कहानी है वो है सावित्री और सत्यवान की, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक बार यम सत्यवान के पास उसकी जिंदगी हमेशा के लिए लेने के लिए पहुंच गए। सावित्री को उसके बारे में पता चला तो उसने अपने पति का जीवन देने के लिए यम से विनती की, लेकिन यम ने इनकार कर दिया। तो उसने अपने पति का जीवन पाने के लिए बिना कुछ खाए पिए यम का पीछा करना शुरू कर दिया। यम ने उसे अपने पति के जीवन के बदले कुछ और वरदान मांगने को कहा। वो बहुत चालाक थी। उसने यमराज से कहा कि वो एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के बच्चों की मां बनना चाहती। यम को उसके बयान ने सहमत होने के लिए मजबूर कर दिया और उसे उसके पति के साथ लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। एक और कृतिंति प्रचलित है कि एक बार करवा नाम की एक औरत थी जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थी, जिसके कारण उसे महान आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की गई। एक बार करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था और उसे तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। उसने मगरमच्छ बांधने के लिए एक सूती धागे का इस्तेमाल किया और यम को मगरमच्छ को नरक में फेंकने के लिए कहा। यम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्हें पतिव्रता स्त्री करवा का सांप लगने का भय था। उसे उसके पति के साथ लंबी आयु का वरदान मिला। उस दिन से करवा चौथ का त्यौहार भगवान से अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए आस्था और विश्वास के साथ महिलाओं द्वारा मनाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कृतियां हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताया, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ किस तरह से मनाए जाने लगा, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। करवा चौथ का अर्थ उपवास है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर
करवा को अर्घ देना है। करवा चौथ पर हर साल अंधेरे पखवाड़े के दिन चौथे दिन पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में महिलाओं द्वारा करवा चौथ के त्यौहार का जश्न अब यह स्पष्ट नहीं है, हालांकि इसे मनाने के कुछ कारण अस्तित्व में है। यह माना जाता है कि महिलाओं को अपने पति के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि जब वे घर से बाहर अपने कर्तव्य कठिन अभियानों पर होते हैं, जैसे कि कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, सैनिक है, एयरफोर्स में है। भारतीय सैनिक अपने घर से दूर पूरे देश की सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर बहुत कठिन ड्यूटी करते हैं। वे सूखे क्षेत्र में कई नदियों को पार करके मानसून के मौसम को झेलते हुए और भी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो उनकी पत्नियां अपनी पतियों की सुरक्षा, दीर्घायु और कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। महिलाएं पूरे दिन को बिना खाना खाए और पानी की एक बूंद भी पिए बिना अपने पति की सुरक्षा के लिए जहां कहीं भी वे अपने घर से दूर अपने मिशन पर होते हैं उनके लिए व्रत रखती है। यह त्यौहार गेहूं की बुवाई के दौरान अर्थात रबी फसल चक्र के शुरू में होता है। एक औरत बड़े मिट्टी के बर्तन जिसे कार्व कहते हैं गेहूं अनाज के साथ भरकर पूजा करती है और विशेष रूप से गेहूं खाने वाले क्षेत्रों में इस मौसम में अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती है। महिलाओं द्वारा करवा चौथ का जश्न मनाने के पीछे एक और कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत समय पहले जब लड़कियां की शादी किशोरावस्था या और भी जल्दी मतलब 10, 12, 13 में पहले शादी हो जाती थी, तो उस उम्र में हो जाती थी, तो उन्हें अपने माता पिता के घर से दूर अपने पति और ससुराल वालों के साथ जाना पड़ता था। तो उसे घर के सभी कामों में ससुराल वालों के कामों के साथ साथ घर के बाहर खेतों के भी काम करने पड़ते। वो बस उसके ससुराल वालों के घर में एक पूर्वकालिक नौकर की तरह हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे फोन उन था नहीं कि आप कॉन्टेक्ट कर लिए। तो वहाँ पे जो औरत होती थी पूरी तरह से एक बंधक की जैसी हो जाती थी, जहाँ पे सिर्फ उनके सास ससुर देवर और पति वगैरह होते थे, कोई मित्र रिश्तेदार नहीं होते थे। तो पहले के दिनों में परंपरा थी कि एक बार दुल्हन के दूल्हे के घर आने के बाद वो लंबे समय के लिए या जीवन में केवल एक या दो बार माता पिता से ज्यादा अपने घर नहीं जा सकती। तो इस समस्या या अकेलेपन को हल करने के लिए महिलाओं ने उसी गांव में जिसमें उनकी शादी हुई है वहां अच्छे समर्थनकर्ता दोस्त बना लिया, किसी को बहन बना लिया, क्योंकि बिना दोस्ती बिना समाज के आप कैसे बंधक में रहोगे। तो सब मिलके फिर मनाना शुरू किए। तो कार्तिक महीने में चतुर्थी पर करवा चौथ का जश्न मनाना शुरू किया। वे एक साथ मिलती थी, बातें करती थी, अच्छे और बुरे क्षणों के बारे में चर्चा करती, हंसती और अपने आप को सजाती, एक नई दुल्हन की तरह बहुत सारी गतिविधियां करती और खुद को फिर से याद करती। करवा चौथ के दिन वे कार्व खरीदती और एक साथ पूजा करती थी। वे विवाहित महिलाओं को सामान भी उपहार में खरीदी जाती है, जैसे चूड़ियां हो गई, बिंदी हो गई, रिबन हो गई, लिपस्टिक हो गई, झुमके, नेल पॉलिश, सिंदूर, घर का बना कैंडी, मिठाई, मेकअप आइटम, बहुत सारे कपड़े जो खरीदते हैं। तो करवा चौथ का उपवास रखना और पतियों के लिए पूजा की अवधारणा बहुत बाद में एक माध्यमिक प्रक्रिया के रूप में आई। बाद में बहुत सी पौराणिक कथाएं और कहानियां इस त्यौहार को मनाने के अर्थ को बढ़ाने के क्रम में प्रचलित हुई। उपवास, पूजा और महिलाओं द्वारा खुद को सजाना पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सारी खुशी, आत्मविश्वास और नवीकरण लाता है। तो इस तरह से महिलाएं भावनात्मक लगाव के द्वारा अपने पति का भरोसा और प्रेम जीतती है। वे पूरे दिन बिना भोजन और पानी के उपवास रखती है, खुद को दुल्हन की तरह तैयार करती है और अपने पति की सुरक्षा और अच्छे के लिए पूजा करती है, क्योंकि ससुराल में केवल पति उनके पूरे जीवन के लिए कर्ता धर्ता होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।